व्हाट्स अप गाइस, आई एम योगराज एंड वेलकम टू एक्सक्लूसिव योगराज। गाइस, मैं आया हूँ अभी दिल्ली के डियर पार्क में। सॉरी, इट्स अ पार्क। तो गाइस, चलते हैं इस पार्क में और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है हम लोगों को देखने के लिए। सो गाइस, लेट्स गो। पार्क है, ये शुक्रवार के दिन बंद रहता है एंड अदर डेज में जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइमिंग होता है वो इस गेट पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ये समर सीजन और विंटर सीजन दोनों का इस पे टाइम दिया हुआ है एंड ये रास्ता जो आप देख रहे हो ये जा रहा है डियर की तरफ, यानी जहाँ पे हम लोगों को हिरन वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग एंट्री करके अंदर आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ हिरन देखने के लिए। तो आओ हमारे साथ चलते हैं देखने के लिए। गाइज, यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो इधर वाली साइड में। ये सारे झूले हैं जो कि यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए हैं। तो आ जाओ मेरे साथ चल के देखते हैं कौन कौन से झूले लगे हुए हैं यहाँ पर। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बागे आलम गुंबद के पास। जैसा कि आप लोग देख सकते हो है बैक साइड में बोर्ड लगा हुआ है ये वाला। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सरप्राइज प्लेस। इधर आ जाओ मेरे साथ। यहाँ पे कुछ नया ही देखने को मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी पुरानी गुंबद ही है ये भी, और उधर वाले गुंबद पे हमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं किया उन लोगों ने, देन हम इधर आ गए तो हमें ये मिल गया है। एंड काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं जैसे कि लैला मजनू टाइप के बोल सकते हो आप उनको, तो उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो तुम्हारे और जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ओनली कब्र वगैरह है जो पुराने जो लोग रहेंगे यहाँ पे उन लोगों की। तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर आता हूँ इसके, देन मैं इधर की साइड जा रहा हूँ। आ जाओ। यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हरदीप एंड लव पूजा। एंड गाइस, एक कमाल की बात है, हरदीप कहाँ होंगे नो आइडिया और पूजा कहाँ होंगी बिल्कुल नो आइडिया। तो काफ़ी सारे लवर्स वगैरह कपल्स जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और उन लोगों के यहाँ पे नाम वगैरह लिखे हुए हैं, बट उन लोगों का कोई पता नहीं है। तो
चारों तरफ गाइस यही है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। देन अब हम चल रहे हैं दूसरी तरफ और इसके लास्ट में हम आपको झील भी दिखाएंगे, बट झील में आपको लास्ट में ही दिखाऊंगा क्योंकि वही तो है यहाँ का सबसे फेवरेट प्लेस। यहाँ से जब आप एंट्री करके अंदर आओगे तो कुछ आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। सामने की तरफ झूले लगे हुए हैं, अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आपको मिलेगा देखने को गुंबद, और इस तरफ है झील। और अब हम लोग जा रहे हैं गाइस झील की तरफ। एंट्री गेट और हम लोग अभी इधर घूम के आ रहे हैं, बट अभी इधर हम जा रहे हैं झील की तरफ। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है झील और ये रास्ता जा रहा है झील की तरफ। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं आपको झील दिखाने वाला हूँ, बट गाइस झील देखने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। वैसे झील मेरे सामने है बट झील मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। आ लो, अभी हम लोग इसके ऊपर चलने वाले हैं और ऊपर जाने का जो रास्ता है वो ये वाला है। वैसे इसमें ऐसे चार रास्ते हैं टोटल। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ इसके ऊपर और इसके चारों तरफ का जो आप नज़ारा है वो आप देखिए कैसा दिखता है। गाइस पहले से यहाँ से रास्ता था ऊपर जाने के लिए, बट अब ये बंद हो चुका है तो अभी हमें बाहर जाना पड़ेगा इस पार्क के। एंड बाहर जाने के बाद हमें टिकट लेके दोबारा से अंदर आना पड़ेगा।